2.1 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द ड्रॉइंग ए टू डी सो। आपको ये फोर नंबर दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे ड्राइंग दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि इसको किससे मैच होएगा। ओके, तो हम फर्स्ट नंबर देख लेते हैं क्या है हमारा, 2 × 1/5। अब आप इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 1 = 2/5। अब आपको इन शेडो में देखना है, ये जो ड्राइंग दी हुई है इसमें देखना है कि आपको 2/5 किस ड्राइंग में दिया हुआ हुआ है। तो यहाँ पे कितना है शेडो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 और 2। यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3। यहाँ पे कितना है शेड, 1 और 2। यहाँ पे दो पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, डी। और 2 पार्ट शेडेड है और कितने टोटल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सर्कल में 5 पार्ट दिए हुए हैं। ओके, तो 5 पार्ट में 2 पार्ट शेडेड है, 5 5 पार्ट है, 2 पार्ट शेडेड है। तो फर्स्ट नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर का हो जाएगा हमारा डी। ओके, अब दूसरा नंबर हम समझ लेते क्या दिया हुआ है, 2 × 1/2। 2 × 1/2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 2/2। इसका मतलब है कि जो ऊपर के जो नंबर दिए हुए हैं वो पार्ट सेडेड होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 पार्ट सेडेड हैं। और टोटल कितना बॉक्स है, एक एक डिब्बे में 2 बॉक्स हैं। ओके, जिसमें से 2 पार्ट सेडेड हैं, तो दूसरे का हो जाएगा हमारा बी नंबर। इसी तरीके से सी नंबर हम देख लेंगे, तीसरा नंबर देख लेंगे हमारा क्या है, 3 × 2/3। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 3 = 6/3। अब आपको ये देखना है कि एक बॉक्स हो जिसमें से 3 पार्ट हो और जिसमें 6 पार्ट सेडेड हो। तो यहाँ पे कितने पार्ट सेडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, हर बॉक्स में 2 2 पार्ट सेडेड है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए हमारे। और कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। यहाँ पे भी है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, तो तीसरे का हो जाएगा हमारा ए नंबर। उसी तरीके से हम फोर्थ नंबर देख लेंगे क्या दिया हुआ है, 3 × 1/4। 3 × 1/5, 4 क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ पे हमको देखना है ड्राइंग में कि कौन सा है 3/4, तो यहाँ पे एक ही बचा है, 1, 2, 3। इसमें 3 बॉक्स दिए जिसमें से 3 पार्ट सेडेड हैं। ओके, और एक बॉक्स में कितने नंबर दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, तो फोर्थ का हो जाएगा हमारा सी नंबर। तो ये है हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवेन बिलो। आपको कुछ पिक्चर दिए हुए हैं ए से सीधा, ए बी और यहाँ पे है हमारा सी। ओके, अब बोल रहा है टेल विच ऑफ देम सो। अब यहाँ पे जो सॉल्व नंबर दिए हुए हैं इसमें से कौन सा शो कर रहा है। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ रहा, तो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा, 3/5। अब आपको ऐसा बॉक्स ढूंढना है जिसमें से 3 पार्ट सेडेड हो। तो कहाँ पे है 3 पार्ट सेडेड, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। ओके, कितने पार्ट सेडेड दिए हुए हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 बोल रहा है। टोटल बॉक्स कितने होने चाहिए हमारे, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो हमारा 1 का क्या हो जाएगा, हमारा 1 का हो जाएगा सी नंबर। उसी तरीके से हम सेकेंड नंबर देखेंगे क्या दिया हुआ है, 2/3। ऐसा कोई पार्ट देख रहे हैं जिसमें 2 पार्ट सेडेड हो और टोटल कितने बॉक्स हो, 3, तो 1/3 सेडेड है, 1 सेडेड है, तो कितना हो गया हमारा, 2 सेडेड पार्ट हो गए। और टोटल कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे हमारे कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, तो दूसरे का क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। ओके, दूसरे का हमारा ए नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दूसरे का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अब इसी तरीके से हम तीसरा देख लेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन पे नहीं दिया हुआ है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इम्प्रॉपर पे चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 8 और 1, 9 डिवाइडेड बाई 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं, हम ये दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई प्लस 4 2 8 1, 9 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको पिक्चर में देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें 9 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे हो गए कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 और ये 1। ओके, तो कितने पार्ट हैं यहाँ पे, 9 पार्ट शेडेड हैं। और टोटल एक बॉक्स में कितने बॉक्स दिए हैं, 1 2 3 4। ओके, तो हमारा तीसरे का क्या हो जाएगा, बी। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा क्लास 7th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको एक नंबर दिया हुआ है, ओके, 7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 5। इसको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब आपको बोल रहे लोवेस्ट फॉर्म में, तो आप लोवेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अब बोल रहे एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो नंबर दिया हुआ है इसको आपको किसमें लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं अपन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम ऐसे 5 की टेबल ऐसे पढ़ें कि 21 से कम हो। ओके, तो 5 की टेबल हम कितने बार पढ़ेंगे कि 21 से कम हो, 5 4 जा 20। ओके, 5 की टेबल हमने कितनी बार पढ़ी कि 21 से कम है, 5 4 बार, 5 4 जा 20। तो 20, और यहाँ पे 21 है तो कितना कम है, 1 कम है, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन पे लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड नंबर है हमारा 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे हो गया हमारा 3। आपको डायरेक्ट सामने के मल्टीप्लाई कर देना, सामने के नंबर से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 की टेबल ऐसे पढ़े कि 4 से कम हो, क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, और 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1, 4 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ओके, तीसरा नंबर है हमारा 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 7। सबसे पहले हम सामने के नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा हमारा हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको भी हम किस में कन्वर्ट करना है हमको, मिक्स फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा, 12 से कम, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है, 12 से ज्यादा होगा तो हम 7 1 जा 7 कर देंगे। ओके, अब कितना कम है, 7 1 जा 7 हुआ, 12 से कितना कम है, 5, 7 5 12 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ गया मिक्स फ्रैक्शन, 1 5 डिवाइडेड बाई 7। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यदि कट रहे हैं नंबर ऐसे तो आप काट भी सकते हैं, यहाँ पे नहीं कट रहे थे, 7 है 5 है 4 3 2 7, लेकिन यहाँ पे कट रहा है, 5 की टेबल कितने बार पढ़े, 20 आ जाए, 5 4 जाए 20। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, सिर्फ 4 बचा, और यहाँ पे भी 5 कट गया तो क्या बचा, 4 बचा, 4 4 जा 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए। जो ए बॉक्स दिया हुआ है इसमें सर्कल दिया हुआ, ओके, आप देख रहे हैं सर्कल, इसमें से क्या बोला, 1 डिवाइड बाई 2, आपको हाफ करना है। तो इसमें से कितने दिए हुए हैं, 12 दिए हुए हैं, तो आपको हाफ मतलब क्या हो जाएगा, 6 पार्ट शेडेड हो जाएगा। ओके, ये है हमारा आंसर। आपको हाफ बोल रहा है कि जो ए बॉक्स में जो सर्कल दिए हुए उसमें से आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 पार्ट को सेड करना है, सेडेड हमने कर दिया ड्राइंग। ओके, सेकेंड नंबर है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको बॉक्स बी में ट्रायंगल दिए हुए इसमें से आपको क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 3 पार्ट को सेड करना है। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 में कितना पार्ट आ जाएगा हमारा, 6 पार्ट, मतलब ये जो बॉक्स दिया है 2 पार्ट को सेड करना है, टोटल कितने बॉक्स हैं, 3। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 टोटल दिए हुए, इनमें से हमने 2 बॉक्स को सेड कर दिया। ओके,
अब तीसरा नंबर हमारा 3 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ द स्क्वायर्स इन द बॉक्स सी। सी बॉक्स में आपको स्क्वायर दिए हुए हैं, उसमें से आपको कितना पार्ट सेड करना है, 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 3 डिवाइडेड बाय 5, अब यहाँ पे आपको 5 बॉक्स दिए हुए हैं, ओके 5 5 5, आपको कितने कितने सेड कर देने हैं, 3 3, 5 5 दिए हुए हैं, आपको 3 3 सेट कर देने हैं, ओके। तो ये है हमारा आंसर।